माँ अल्लाह ताला मौका देता और असी बरजैया गैस थी। और जो तो मैं गैस लाना पे आया तो उस वेले की माँ कई बंदे उन्हें आखिया जी मलिक साहब भी होर जेन दे बंदे ने तुसी गैस दे पे दसो तो वोटा ना दसो। मैं क्या कोई गल नहीं असी इन्हां दी जिंदगी आसान करने वास्ते गैस देने पे आ इन्हां दी दुआवां हासिल करने वास्ते गैस देने पे आ कोई गल नहीं अगर वोटा नहीं मिलिया लेकिन बरजई वो ग्रह आया जिहड़ा 2008 का इलेक्शन है जो मैं आजाद लड़ाया उस इलेक्शन पूरे इलाका छाछ सब तो ज्यादा वफा बरजई ग्रह के थी और उस चीज में हमेशा अपने दिल से ला के रखी है कि वफादार लोगों का ग्रह है वफा क्या नाल का ग्रह है और इंशाल्लाह असी भी इस ग्रह नाल हमेशा वफा कर और जरा छोटा जा पिछे मसला होया है ये गल हूँ शमशेर जी तो करना पे जी बिल्कुल ये गल सची है कि उस वेले माँ उन्हें आग दिखा कि जी ठीक है कराग लो मैं कोई गल नहीं दादा जी दौड़ प्रासन साढ़े संगी ने लेकिन फिर कुछ शैतान आ गए उन्हें शोर पा दिता रिपोर्टा बढ़ा के दिया कि जी नहीं जी है सिक्योरिटी बढ़ गई सी होर कोई मसला हो गया सी और उस वेले मैं बड़ी मीटिंग बैठा पिया जिस वेले माँ टेलीफोन पर मैसेज आया कि उत्थे जी पुलिस वाले लोग तंग करने पे मारने पे और यकीन मानो कि मैं उस बड़ी अहम मीटिंग तो बाहर निकला और मैं उत्थे उसी वेले आके बैठ दिल्ली इंतजामिया आई है उसका फोन किया कि जी ऐसा तुसी 5 मिनट के अंदर अंदर इस मसले खत्म करो और जड़ी चीज उत्थे दादा ने दौर करने पे पर सुकून तरीके नाल करने पे फौरन बराबर और इसी वजह नाल तुहाडा उस दिन कम होया सी ते इंशाल्लाह सी हमेशा वफा करने रसा क्योंकि जिस तरह मैं आख्या कि मां पता है और मेरे दिल से लिखा पया कि तुहाडा ग्रह वफादार लोकां दा ग्रह है सच बोलण वाले लोकां दा ग्रह है और हक सच ते खलोण वाले लोकां दा ग्रह है ते अज मां बड़ी खुशी है कि अज साडे काफले और साढ़े नाल पार्टी है जी मलिक अफसर साहब मलिक रवैद साहब सुहेल खान राजा ताहिर साहब हाजी मकसूद साहब मोहम्मद मिस्कीन मीर अफसर खान हाजी अरदास अखनवाज साहब के मास्टर अमजद साहब और कैद है ये शामिल हो इन्हें सारे अभी वेलकम करने हैं और इन्हें दसना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਸਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੰਸੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਤਾ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ये हमेशा तो सच्चाई दी और हक दी सियासत है और ये सियासत खिदमत दी सियासत है कि तुसा लोगों दे काम करके तुहाडे कोई असी दिल जल गए इस च कोई धोखाबाजी नहीं है कोई टाउटगिरी नहीं है कोई पैसे बटोरने वाला चक्कर नहीं है और इंशाल्लाह जिस तरह साडा लीडर इस वेले इमरान खान इस मुल्क अगे लेके जा रहे हैं असी समझते हैं कि उस लीडर विच बहुत सारी खसूसियात हैं इमरान खान वाला जो लीडर है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਆ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਆ ਉਸ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾ हां करनी आई तो उस हां की थी जब इंडिया और मोदी ने गंदी नगाह साडे बोलते डाली और अपने जहाज आते भेजे उस वाले रात की तारीख की है जब एयरफोर्स वाले इमरान खान वजीर आजम ने पूछा कि आया ऐसा बर्दाश्त करा कि इसका जवाब देवा उस वाले इमरान खान हां का जवाब देता और उस आका के ने जवाब दियो और मुंह तोड़ जवाब दियो और तुसी देखा किसका जवाब दिता गया होगा उस तो बाद उना दी हिम्मत मत हुई और उना अगर चढ़ा दो जहाज से गिरा के उना दे पायलट ना मुछना लग के दे बाद पापा चढ़ के आया
लेकिन उस तो बाद जो बड़ा फैसला आया वो हुणी तेरे सामने आया। एक सुपर पावर ने यह कहा कि असी चाहते हैं कि तुहाडे मुल्क च असी अड्डे बढ़ावा, असी चाहते हैं तुहाडे मुल्क च अड्डे बढ़ावा, और अगर वो अड्डे बने होते हैं तो फिर उठे कुरेजी होनी सी, फिर अफगानिस्तान अकलो गारत होनी सी, फिर अफगानिस्तान बमबारी होनी सी, और फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने दुश्मन के तौर पर खड़ा कर देना सी। लेकिन वो वक्त हिम्मत करने का वक्त आया जो तो वजीर आजम जो तो ना करने का वक्त आया तो उस ना कर दिया। उस आख्या कोई अपने मुल्क किसी भी जंग इस्तेमाल करने से तैयार नहीं है, और उसकी एक लान है, उसी व्यक्ति के दलेर लीडर की एक लान है पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख देता है। आज एक सुपर पावर अपने टंगा डूम दे के थोड़ा, और कल किसी बंदे इंटरनेशनल आर्टिकल लिखा है और उस आखा जी ये एक मोजा हो गया, और मोजा ये कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर एक सुपर पावर जो है वो लग रहा है कि वो खत्म हो रही है, और उसी हफ्ते के अंदर एक दूई बोल साडा दुश्मन इंडिया जिहड़ा सुपर पावर बनना चाहता सी, जिहड़ा सुपर पावर बनना चाहता सी, लेकिन उसी हफ्ते के अंदर वो सुपर पावर बनने तो पहले ही दफन हो गई। और तीसरा बोल जाए हो है कि एक मुल्क जिसा सी एक फेल स्टेट आ गया सी, यानी कि के जी ऐसा बोल बोल जरा के नाकाम हो चुका है, हुन लग ही रहा है कि वो मुल्क नाकाम जो है वो सुपर पावर बन गया। तो यह होती है लीडरशिप जिहड़ी के खुददारी दे नाल इमरान खान बिठाई है, और सिर्फ इस वजह नाल बिठा सकता है कि उसकी कमजोरी ना कोई नहीं है, उसके दुमे ते पैर नहीं रख सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है बाहर बोल दे जैसे जो इमरान खान की चाबी टाइट कर सके। इमरान खान इस मुल्क का लीडर है, तुहाडा लीडर है, सवाम का लीडर है, और पाकिस्तान के मफाद का लीडर है, और इंशाल्लाह इस मुल्क आगे लेके जा सके। इंशाल्लाह असी इस लीडर के नाल चल रहे हैं, बाकी जो तुहाडे काम ने इंशाल्लाह साढ़े जिम्मे ने, असी काम कर भी रहे करने भी रहे। जिहड़ा गैस का मसला है तुहाडे कमेटी के मेंबरान मेरे को आए ने उस मसले नाल जिहड़ा प्रेशर तुहाडा घट आना है, इंशाल्लाह उस मसले असी हल करा सकते, और इंशाल्लाह कोशिश कर सकते इसी सर्दियों तो पहले पहले तुहाडा ये मसला हल हो ताकि जिहड़ी असां गैस दित्ती है और उस प्रेशर भी आवे ना विच ताकि लोग चूल्हे बाल सकन और अपना काम कर सकन। और बाकी जो इजाफी काम रह गया है उसका मैं हाल साढ़े अस्सी देहात को अस्सी देहात की इजाफी गैस मंजूर हो चुकी है, और इंशाल्लाह उससे ब्राजील भी शामिल है, उसे भी जो इजाफी आबादियां रह गई ने उसे भी इंशाल्लाह गैस लाजम अभी थोड़ी। बाकी तैमूर मैं दस रहा कि असी गाजी बरोथा के नाल अपने नौजवानों से 10 क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, और एक ग्राउंड असी ब्राजील अभी बना के दे रहे हैं ताकि साढ़े नौजवान उत्ते क्रिकेट भी खेल सकूँ, और इंशाल्लाह असी नौकरियां की भी कोशिश कर रहे हैं इतने भी इस प्रोजेक्ट भी और होर प्रोजेक्ट भी साढ़े नौजवानों को नौकरियां मिल रही है। इंशाल्लाह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तुहाडी म्युनिसिपल काउंसिल में लग चुका है, एक बाकी जो एक सीनियर काउंसिल है 1 करोड़ रुपए का फंड हूँ भी मिला है जिससे गलिया का काम हो सी, और बरजई का सब तो ज्यादा ऐसा बरजई है उसने 1 करोड़ के फंड दी ताकि थोड़ी गलिया जा कम हो गए, सर्वे भी इस वेला में हो गए ने, तो इंशाल्लाह ये सारे काम होने रहे हैं, बिजली आ गैस सड़क ये काम सारा जमा है हुकूमत की जिम्मेवारी होनी है ये होने रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि पाकिस्तान को असी बचाने से इस लीडर के नाल बोलते रहो जरा पाकिस्तान की गल करना पे पाकिस्तान के वास्ते और पाकिस्तान का ना उचा करना पे। इन्होंने लफ्जों का तुम्हारा सारे का बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सारे की, अब गर्मी भी पे कल तो लगता है बारिश भी है कि नेक कदम इन्हें चाहे है सारे इंशाल्लाह कल तो 5 दिन की बारिश हो सी इंशाल्लाह, तो आखिर इस मिल के जरा पाकिस्तान ऐसे नारा मार सो पाकिस्तान पाकिस्तान। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, तमाम मेहमानों के लिए चाय का बंदोबस्त किया।